मैं राजा की नीति कर रहा था। यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये वरदान हम तुम्हें प्रस्तुत करते हैं। एक वस्तु एक वस्तु एक महाराज, दूसरा जो प्रण है मेरा सो सुनकर कंपित मत होना। अक्षय विनय है इस पर दूसरे मेहमानों कर चुकी। दूसरा वरदान आपसे हाथ जोड़ के मांगती हूँ। दूसरा जो प्रण है मेरा सो सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत हो। ऐसा नहीं महाराज, दूसरे वरदान की बात सुनते ही आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। अरे महारानी, हम दशरथ राजा का तुमने स्वभाव अभी तक परखा नहीं। तीन पन हो गए राजा दशरथ, वो राजा दशरथ नहीं है कि जिसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाए। क्या कह रही हो महारानी, आज आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं महाराज? रघुकुल रीत सदा चली आई। अरे प्राण जाए पर बचन न जाए। अरे राजा दशरथ अपने प्राणों को निछावर कर सकता है लेकिन अपने बचनों को नहीं पलट सकता महाराज। तुम्हारा दूसरा बताया गया आपसे हाथ जोड़ के मांगती हूं, आप उसको अवश्य पूरा करना। राजा जो राम हो रहा था वह राजा नहीं उदासी हो। तूने दूसरा वरदान करके अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ सुंदरी की गद्दी को कमर बैठा जिसने मेरा सर्वस्व मुझसे दूर कर दिया। आओ विधाता सब पुत्र पिता के है सवाल। जब भी यह बात जानती है राम भरत एक ही मुझे इसकी तू स्वयं साक्षी है। पर जो पहला मामा तूने वो कहीं हुआ है भार मुझे हो भरत लाल के राजकुमार उत्साह सह स्वीकार मुझे। पर राम बनो में वास करे फिर भी 14 वर्षों पर इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझा नहीं। रानी ने राज भरत जी को पलायन क्रूर व्यवहार न करे। राम गौसा दया पात्र तू उस पर उतना अन्याय न करे। रानी राजी है तेरा पति जो तेरा पूछ देता है बस पाओ पकड़ कर तेरे बस इतनी भी है। तपसी बनकर निकल कहीं बस जाए प्रेमा भाव तेरा मेरी पूरी आंखों को आगे रहे। महारानी मैं अपने राम को तपसी के भेद में नहीं देखना चाहता हूँ। किसी का कर्जा दे आप अपने
आपको से रस बहाने लगे। अपने आप को बोले तेरे पुलिस ना चली आई, प्राण चले जाए, लेकिन महाराज आपके वचन नहीं जा सकते हैं। महाराज मेरी बात सुने, दो वचन मेरे बाते हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती और बदल ले पत्थर में तो धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, हृदय दुखता है ना, मैं पता है आप, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, उपाय है मेरे पास, बुरी आंखों के आगे रहे रहो, बस वही उपाय बताती हूँ। हमारा जो उपाय है बताओ बताओ, अब देश बात भर में से अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हो, अरे किसी का कर्जा दे ले, तुम तो अपनी आंखों से आंसू बह रहे महाराज, अब देश बात भर में ही है, पंचों में अपमान लगी, किसी को कुछ मान लगी, वो आपके बीच की बात है, बस तुम अपने मुंह से ये कह दो, तुमका पिछला बता क्या कहे मेरे महाराज। महाराज मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिस दिन मर्द की आंखों से आंसू आते हैं तो समझो उसकी मृत्यु ही सुनिश्चित है। ये आंसू साधारण आंसू नहीं है, और क्या कह रही हो, झूठ बोल जाओ। महाराज आज राजा दशरथ की जीवनी दोहराए पर खड़ी हो गई, और महारानी जीवन में दुख दो ही बार होता है, जन्मत मरत दशह दुख भार, क्या कह रही हो, झूठ बोल रही, सुनो महारानी, अगर हाँ करूं तो आलिए अल्लाह
दशरथ जी के स्वतः हृदय पर इनका और प्रकार प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। रघुवंश रूप भी बढ़िया करो, दशरथ ने अकेले खड़ा नहीं किया, इसमें तुम्हारा ही सहयोग है महाराज। तीसरे महाराज नदी चुने जो स्वस्थ डाल में लेते थे, जब आकर इंद्र मांगना था तो हाथी अपने दे लेते थे। मैं फिर से शिव हरिचंद जैसा अरे पर घर का बास का मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको बाज रहे तुम्हारे चंद के कुल के हुए हो दे दो यही मुनासिब है। महारानी ये कहीं तूने लूट लिया दशरथ के Yeah.
तो आज नहीं है आपके में, जिस दिन आपके में आएगी उस दिन अपनी कर्मी पर सिद्धंधन करेगी। रानी रानी आंचल पसाओ पसाओ आंचल पर, ये तो ध्यान रखना महाराज, इसी आंचल से एक दिन तुमने राम को भी ढका था, उसी राम के लिए तुम्हें आसन को हमारे सामने पसारना पड़ रहा है। पसार आचल रानी रानी आचल पसार हर के, और ये 101 रुपया देखिए हमारे राम मोहन पटेल साहब जो कि शेरशाह, देखिए इनकी तरफ से जो कि हमारे बड़े भाई जो कौशल पटेल साहब इस समय महाराज दशरथ का रोल चल रहा है, इन्हीं के आप बहनों साहब हैं, तो इनकी तरफ से 101 रुपया प्रदान हो रहे हैं। तो मंडल की ओर से हाथ उठा दो धन्यवाद। रानी रानी आचल पसार थापी दे और चापी दे, ले पन भी ले कद्दू भी ले और दशरथ के। राम राम रघुपति कर भुआलो, सब दिन पंख बिहंग बिहालो, द्वार भीर से बक सचबो कहो उदित रगते, जाके हो नया के पति कारण कपट विशेष। जय हो पिछले महरे खूब बीत जागा, आज हमें पर चिरे जी लागा। महाराज भक्त प्रति ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाया करते थे, आज हम सभी नगरवासी महाराज की जोहार करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन ना जाने क्यों आज महाराज सिंह द्वार पर नहीं आए हैं। महामंत्री सुमंत्र जी आप महलों में जाते हैं इसलिए जाएं और देख करके आए कि महाराज अभी तक महलों से बाहर क्यों नहीं आए। कई सुमंत्र तब ना हो माही, देख भया मन जात दिराही। महाराज दशरथ को क्या हो गया? महामंत्री जी आज महाराज पूरी रात्रि राम राम कहकर के पुकारते रहे, तुम जाओ राम को शीघ्र मेरे पास बुला के लाओ, तेरे तुम्हारी मजली माने तुम्हें बुलाया है। जो जय हो राम स्मरण रहे तो राम आपको मजली माने याद किया और महलों में बोला। पिताजी प्रणाम स्वीकार कर, प्रणाम स्वीकार कर, नंबर नहीं जाना हम।
इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा परिवर्तन मेरे घर में, सारे अयोध्या वासी, सारे अयोध्या वासी प्रसन्न है, बधाइयां बजा रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। प्रातः काल वाले राम युवराज का पद को प्राप्त हो जाएगा। अयोध्या का विशाल साम्राज्य राम के नाम अंकित कर दिया जाएगा। लेकिन राम के घर की स्थिति बड़ी दयनीय है। हर रोज हृदय से लगाने वाली ममता मई मां मेरी ओर निहार नहीं रही। परमात्मा तुल्य पिताजी, आज मैंने प्रथम बार अचेत अवस्था में देखा है। मां बात क्या है? मैया मैया मैया, पिताजी, हे पिता तबीयत घबराई है। मां मैया मैया, कुछ तो बोलो, यह क्यों इतने अकुलाए, क्या कुछ जो मेरे पिता रिसाए। राम पर कोई अपराध तो नहीं हो गया? राम पर कोई भूल तो नहीं हुई? और ऐसा यदि नहीं हुआ, राम पर कोई भूल नहीं हुई, राम से कोई अपराध नहीं हुआ, मां तू राज नहीं चाहिए, हमें ये ताज नहीं चाहिए, हमें कलंकी बना देगा माता। यदि आज मेरे घर में राम के माथे पर एक कलंक का दाग लग जाएगा, मां राम कलंकी बन जाएगा। हमें नहीं चाहिए। मैं तो ये जानना चाहता हूं पिताजी को क्या हो गया। मेरी मैया
तुम बार बार पूछ रहे किस दुख ने दबाया है, इसका कारण बताने को मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी पर दो बरदान हमारे दादे ऊपर रखे हुए थे, राम समय आने पर मैंने बरदानों को मांग लिया। जान सकता आपके द्वारा क्या राम, पहले बरदान इस अयोध्या का राज भरत के लिए मांगा है और दूसरे बरदान राम तुम्हारे लिए एक महीने 14 वर्षों का वनवास मांगा है, तुम्हारे पिताजी की बेहोशी का कारण यही है। सुन जननी सोई सुत बड़वागी, जो पित मात वचन अनुरागी, भरत प्राण प्रिय पावे राजू, विधि सब मुख मोहि आजू, जो न जाऊं मन ऐसे काजा, प्रथम गनी मोह मूढ़ समाजा, माता ये केवल मोह रो रहा है, पिताजी नहीं रो रहे। आपका जो हमें आदेश मिला है शुरू तो राम जाओ अपनी माँ से शीघ्र आगे लेकर के प्रातः काल बनाने की तैयारी करना। समय से कौन बड़ा